चलिए उन्हें आप बताइए, विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं? किसी आवेशित कण के आवेश के परिमाण तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है विशिष्ट आवेश बराबर आवेश का परिमाण बटा में द्रव्यमान। हाँ ठीक। इसके बाद बताइए इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? 1.8 × 10^11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है। इसके बाद बताइए कि प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का मान होता है 9.56 × 10^7 कूलम्ब पर केजी। और न्यूट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान? शून्य होता है। शून्य होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है? 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और प्रोटॉन किससे बना होता है, कितने क्वार्क से? प्रोटॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो सही है। इसके बाद बताइए आप कि कूलम्ब बल किसे कहते हैं? कूलम्ब बल के बारे में बताइए। कूलम्ब बल का 2 नियम है। पहला नियम है कि दो दो वस्तुओं के बीच की दूरी नियत हो तो उन दो वस्तुओं के बीच लगने आवेशों दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती Q1 × Q2। और उसका दूसरा नियम होता है दो आवेशों के बीच उनके परिमाण नियत हो तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान उन दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, कूलम्ब बल का समीकरण क्या है? F इक्वल 1/4 πε₀ × Q1 × Q2 √r² तो सही है। अच्छा, एप्साइलन नोट जो इसमें होता है, एप्साइलन नोट क्या होता है? वह एक नियतांक है। और मतलब किसी माध्यम की प्रबलता है, क्या है एप्साइलन नोट? निर्वात की प्रबलता है। उसका एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10^-12 कूलम्ब। फैराडे मीटर इनवर्स भी होता है। फैराडे मीटर और एक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए आवेश का आयतन घनत्व किसे कहते हैं? आवेश का आयतन जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वह आवेश उस वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उस एकांक आयतन में जितना आवेश का घनत्व होता है उसे ही आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/3 π/4 Q। गोलीय चालक के लिए बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है ρ = Q/V होता है। आप जो बोल रहे हैं गोलीय चालक के लिए होता है, ठीक ना? फिर इसका एसआई मात्रक बताइए, आवेश का आयतन घनत्व कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसका बीमा क्या होता है? ATL inverse 3। तो सही। इस अदिश राशि है कि अदिश राशि? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, बहुत अच्छा।